हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा छह गणित दक्षताभ्यास 8 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियां हों तो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। जैसे कोई दोस्तों साइकिल की पहिया है, साइकिल की पहिया, तो इसमें कितनी तीलियां हैं? 36। 1 2 3 4 5 कितनी होगी? 36। तो हमको ज्ञात करना है दो तीलियों के बीच का कोण। तो सूत्र होता है, पहला है दो तीलियों तीलियों के बीच बीच का कोण, कोण बराबर होगा पूरा कितने होगा? 360। 360 अंश पूरी पहिया कितने अंश की होगी? पूरी 360। 360 अंश और कितनी तीलियां हैं? 36। तो 36 अंश, तो 36 से 36 काटेंगे तो आएगा हमारा 10 अंश। कितने अंश? 10 अंश। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कोणों 60 अंश, 120 अंश, 140 अंश, 150 अंश के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों दिया है 60 अंश का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 60 अंश का संपूरक कोण होगा 120 अंश। उसके बाद 120 अंश का कितना होगा? 60 अंश। 60 अंश। उसके बाद 140 अंश का संपूरक कोण होगा 40 अंश। 40 अंश। उसके बाद 150 अंश का संपूरक कोण होगा 30 अंश। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है, दिया है पीछे मुड़कर वह कितने अंश घूम जाता है। जैसे कोई एस ए है बच्चे या शिक्षार्थी और यह है अध्यापक, तो जब अध्यापक व्यायाम करने के लिए पीछे मुड़ कहेंगे तो वह कितने अंश घूमेगा? तो ये अपने आप से पीछे पूरा घूमेगा तो होगा 180 अंश। 180 अंश घूमेगा। कितने अंश घूम जाता है? तो पहले में भरा जाएगा, पहले में लिखा जाएगा 180 अंश घूम जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा है दाएं घूम तो वह कितने अंश से घूम जाता है। चलिए देखते हैं। अगर ये मान लीजिए इधर दाएं है, इधर ये दाया है, तो दाएं घूमेंगे तो हो जाएगा हमारा 90 अंश घूम जाएगा। 90 अंश। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित कोणों के प्रकार और प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है 0 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 180 अंश, 225 अंश और 360 अंश। चौथा क्वेश्चन है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 0 अंश को कौन सा हम कोण कहेंगे? चलिए देखते हैं। 0 अंश के कोण को हम कहेंगे शून्य कोण। क्या कहेंगे? शून्य कोण, ये होगा हमारा शून्य कोण। अब 30 अंश को कहते हैं हम न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण कौन सा होता है? देखिए न्यून कोण होता है वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा, शून्य कोण से बड़ा पन पर किंतु एक समकोण से छोटा होता है, अर्थात 90 अंश से छोटा होता है। तो
तीस अंश कौन सा कोण होगा हमारा, न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। अब 90 अंश का निकालना है, 90 अंश कौन सा कोण होता है, 90 अंश होता है हमारा समकोण, समकोण, समकोण। 90 अंश बराबर, 90 अंश होता है हमारा समकोण। दोस्तों 135 अंश, 135 अंश किस प्रकार का कोण है, यह है हमारा अधिक, अधिक कोण। उसके बाद फिर दिया है हमको, दिया 180 अंश का किस प्रकार का कोण है, 180 अंश। ये किस प्रकार का कोण है, यह है रिज, रिज, रिज कोण। उसके बाद फिर दिया है 225 अंश, 225 अंश, ये हमारा बृहत कोण, बृहत कोण, ये बृहत कोण। उसके बाद फिर दिया है 360 अंश, तो ये होता है हमारा संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, 360 पूरी, ये होता है हमारा 360 अंश का। तो 360 अंश कितना होता है, किस प्रकार का कोण होता है, संपूर्ण कोण। दोस्तों अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।